नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इग्नू MG10 के ब्लॉक सेकंड का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका नाम है माइकल मधुसूदन दत्त एंड द इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्निटी। ओके, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि माइकल मधुसूदन दत्त का इंडियन इंग्लिश राइटिंग में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है एंड इनकी लिटरेरी लेगेसी कैसी रही है एंड इन्होंने क्यों अपने नाम के आगे माइकल लगाया है, मतलब कि इन्होंने अपना जो धर्म था वो हिंदू धर्म से इन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपनाया था, तो वो सारा हम डिटेल में जानेंगे। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो माइकल मधुसूदन दत्त एक फेमस बंगाली पोइट, राइटर एंड ड्रामाटिस्ट है एंड इन्हें जो है पायनियर माना जाता है बंगाली ड्रामा का, यानी कि ऐसा माना जाता है कि जो बंगाली ड्रामा है उनकी जो शुरुआत है वो इन्होंने की थी, यानी कि इनको फर्स्ट बंगाली ड्रामाटिस्ट माना जाता है। एंड माइकल मधुसूदन दत्त वॉज एन आइकॉनिक फेस ऑफ बंगाली लिटरेचर, हैविंग ब्रॉट द वेस्टर्न फॉर्म ऑफ सोनेट्स इन टू द इंडियन लिटरेचर। मतलब कि माइकल मधुसूदन दत्त को बंगाली लिटरेचर का एक इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा फेमस आइकॉनिक फेस माना जाता है, जिन्होंने वेस्टर्न फॉर्म के जो सोनेट्स थे वो इंडियन लिटरेचर में सम्मिलित करवाए थे, मतलब इंट्रोड्यूस करवाए थे एंड इसीलिए माइकल मधुसूदन दत्त को बंगाली सोनेट्स का फादर माना जाता है। माइकल मधुसूदन दत्त हेनरी डेरोजियो के जैसे ही रोमांटिक पोइट से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे एंड हाँ, मैंने हेनरी डेरोजियो के ऊपर भी वीडियो डाल रखी है एंड अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखना, मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और मैं सजेस्ट करूँगी कि माइकल मधुसूदन दत्त से पहले आप हेनरी डेरोजियो को पढ़ लो, बिकॉज उसके बाद आप माइकल पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, बिकॉज कुछ कुछ चीज़ें इन दोनों में इंटरलिंक्ड हैं जो कि आपको आगे पता चलेगा। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे अर्ली लाइफ एंड द ऑफ हिज पैशन फॉर राइटिंग, यानी कि हम देखेंगे कि माइकल मधुसूदन दत्त की अर्ली लाइफ कैसी थी एंड इनका जो राइटिंग पैशन था वो कैसे इनके अंदर आया था। ओके, तो इनका जन्म हुआ था 25 जनवरी 1824 में बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया में, जो कि अब बांग्लादेश में है एंड इनकी डेथ हुई थी 29 जून 1873 में कोलकाता ब्रिटिश इंडिया में एंड इनका लिटरेरी मूवमेंट था बंगाल रेनेसांस एंड इनके फादर का नाम था राज नारायण दत्त एंड इनकी मदर का नाम था जानवी देवी। ओके, तो इनिशियली माइकल मधुसूदन दत्त ने अपनी जो प्राइमरी स्कूलिंग है वो अपने गांव से की थी एंड लेटर ऑन ये कोलकाता स्कूल में पढ़ने गए थे। बाद में इन्होंने मतलब कि हिंदू कॉलेज में जो है एजुकेशन ली थी, जहां पर इन्होंने बंगाली, पर्शियन एंड संस्कृत लैंग्वेजेस को पढ़ा। यहीं से इन्होंने राइटिंग करना भी स्टार्ट कर दिया था एंड जो हेनरी डेरोजियो थे वो भी हिंदू कॉलेज में ही पढ़ाया करते थे, लेकिन माइकल मधुसूदन दत्त के ज्वाइन करने से 2 साल पहले ही हेनरी डेरोजियो ने उस कॉलेज को छोड़ दिया था। एक्चुअली हेनरी डेरोजियो जो थे वो स्कूल में हेडमास्टर रह चुके थे, लेकिन इन्हें निकाल दिया गया था, तो इसी कॉलेज में पढ़ने के लिए माइकल मधुसूदन दत्त भी गए थे। एक्चुअली जो हेनरी डेरोजियो थे उन्होंने अपने बच्चों में लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम डेवलप करने की कोशिश की थी एंड इसी तरह के आइडियाज जो कॉलेज के स्टूडेंट्स थे उनके बीच में स्प्रेड हुए थे, तो जो हमारे माइकल मधुसूदन दत्त हैं उन्होंने भी उन्हीं आइडियाज को जो है एक्वायर करने की कोशिश की थी। एंड हेनरी डेरोजियो ने अपने स्टूडेंट्स को क्या क्या सिखाया था, उन्हें किस तरह से इंस्पायर किया था, वो सब मेरी प्रीवियस वीडियो में है जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगी, तो आप लोग पहले उसको देख लेना, जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बोला है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो माइकल मधुसूदन दत्त ने हिंदू कॉलेज में लिखना स्टार्ट किया था एंड ये एक एंग्लिशियन थे। एंग्लिशियन का मतलब होता है जो कि वेस्टर्न लैंग्वेज एजुकेशन को इंडिया में सपोर्ट करते थे, तो ये भी एक एंग्लिशियन थे एंड इन्होंने जो अपनी अर्ली राइटिंग्स हैं वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखी थी। ओके, देन द चीफ इंस्पिरेशन फॉर हिज अर्ली राइटिंग वॉज ड्रॉन फ्रॉम कैप्टन डेविड रिचर्डसन, वन ऑफ द ल्यूमिनरीज ऑफ टीचिंग स्टाफ ऑफ हिंदू कॉलेज इन दोज डेज। एक्चुअली जो रिचर्डसन थे वो बहुत अच्छे पोइट थे, जिनके कुछ वर्क जो है पब्लिश भी हुए थे, स्पेशली जो उनकी जर्नल्स वगैरह थी वो काफ़ी ज़्यादा पब्लिश हुई थी एंड ये इंग्लिश में ही लिखा करते थे एंड इसीलिए ये उस दौरान, यानी कि जो कैप्टन रिचर्डसन थे ये उस दौरान हिंदू कॉलेज में एक टीचिंग स्टाफ के मेम्बर थे एंड इन्हीं से इंस्पायर होकर मधुसूदन दत्त ने भी इंग्लिश में लिखना स्टार्ट किया था। तो मतलब मधुसूदन दत्त की जो इंस्पिरेशन है वो कैप्टन रिचर्डसन है एंड माइकल मधुसूदन दत्त वॉन स्कॉलरशिप्स एंड इवन अ गोल्ड मेडल फॉर एन एसे ऑन वुमेन्स एजुकेशन। एक्चुअली जो माइकल मधुसूदन दत्त थे ये जेंडर इक्वालिटी को सपोर्ट करते थे, इसीलिए इनको लगता था कि जेंडर इनइक्वालिटी एंड पैट्रियार्कल सोसाइटी को ख़त्म करने के लिए वुमेन एजुकेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए इन्होंने वुमेन एजुकेशन पर बहुत से इंस्पिरेशनल एसेज लिखे थे ताकि ये लोगों को इंस्पायर कर सकें, उनको एक तरह से एनकरेज कर सकें वुमेन एजुकेशन देने के लिए, तो इसीलिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब एसेज लिखे थे वुमेन एजुकेशन के ऊपर। एनोनी में से एक ऐसे इनका काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था जिसके लिए इनको स्कॉलरशिप भी मिली थी एंड गोल्ड मेडल भी मिला था।
एंड इस दौरान माइकल मधुसूदन दत्त जो है वो हिंदू कॉलेज में पढ़ा करते थे एंड इनके जो वर्क्स थे वो ये लिटरेरी ग्लीमर, लिटरेरी ब्लॉसम, लिटरेरी गैजेट, बंगाल स्पेक्टेटर एक्सेट्रा, ऐसी जो न्यूज़पेपर्स थी उनके थ्रू पब्लिश करवाया करते थे। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट हेडिंग जो कि है कन्वर्टिंग टू क्रिश्चियनिटी। तो हम जानेंगे कि क्यों माइकल मधुसूदन दत्त ने हिंदू धर्म को छोड़कर क्रिश्चियनिटी को अपनाया था। ओके, इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम अरेंज मैरिज सेटअप बाय हिज फादर ही कन्वर्टेड हिज रिलीजन फ्रॉम हिंदुइज्म टू क्रिश्चियनिटी। एक्चुअली मधुसूदन दत्त को इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन कस्टम एंड अरेंज मैरिज का ये जो सिस्टम था ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये अरेंज मैरिज करने के बिल्कुल अगेंस्ट थे बिकॉज इन्हें पसंद नहीं था कि जो दो अननोन लोग हैं वो किस तरह से मैरिज कर सकते हैं, एंड ये लव मैरिज को सपोर्ट करते थे। लेकिन इनके फादर जो थे वो इनको अरेंज मैरिज के लिए फोर्स कर रहे थे बिकॉज उनके अकॉर्डिंग उनका जो रिलीजन है उसमें अरेंज मैरिज करना जो है बहुत, मतलब उनका बिलीफ है, उनका कस्टम है। तो इसीलिए इस चीज़ से बचने के लिए इन्होंने हिंदू धर्म को त्याग कर क्रिश्चियनिटी को अपनाया था बिकॉज ये वेस्टर्न कल्चर को मॉडर्न मानते थे एंड इनको लगता था कि वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा अच्छा है, एंड इसीलिए इन्होंने धर्म परिवर्तन के बाद अपना जो नाम है उसके आगे माइकल भी जोड़ा था। मतलब कि क्रिश्चियनिटी अपनाने से पहले इनका नाम सिर्फ मधुसूदन दत्त था, ये जो माइकल है ये इन्होंने क्रिश्चियनिटी अपनाने के बाद लगाया है। एंड इस धर्म परिवर्तन के कारण मधुसूदन दत्त के उनकी फैमिली के साथ जो रिलेशन थे वो ख़राब हो गए एंड मधुसूदन दत्त की जो फैमिली थी वो उनसे सेपरेट हो गई। एंड अपने धर्म परिवर्तन के बाद मधुसूदन दत्त ने हिंदू कॉलेज को भी हमेशा के लिए छोड़ दिया एंड ही टुक एडमिशन टू बिशप्स कॉलेज इन 1844 वेयर ही रिमेंड टिल 1847। मीन्स कि इन्होंने हिंदू कॉलेज को छोड़ने के बाद बिशप कॉलेज को ज्वाइन किया जो कि एक इंग्लिश कॉलेज था एंड यहाँ पर इन्होंने 1844 से लेकर 1847 तक पढ़ाई की एंड यहाँ इन्होंने ग्रीक, लैटिन एंड संस्कृत लैंग्वेज को पढ़ा। एंड दूसरी ओर जैसे कि इनके फैमिली के साथ रिलेशन जो थे वो ख़राब थे तो मधुसूदन दत्त की फैमिली ने इन्हें पैसे देना बंद कर दिया, मतलब कि घर की ओर से जो भी इनको खर्चा वगैरह मिलता था वो बिल्कुल बंद हो गया, तो इनके पास पैसों की तंगी होगी। देन ही डिसाइडेड टू टैप हिज ओन पोटेंशियल एट सस्टेनिंग हिमसेल्फ बाय मूविंग विद सम तमिलियन फ्रेंड्स टू मद्रास इन 1848। मींस कि फिर ये 1848 में अपने तमिलियन फ्रेंड्स के साथ मद्रास चले गए ताकि ये अपने पोटेंशियल के थ्रू जो है अपनी जो लाइफ है वो अपने मुताबिक जो है जिए, मतलब कि इनको घर से तो खर्चा आ नहीं रहा था तो उन्होंने सोचा था कि वहां पर जाके कुछ जॉब वगैरह अपने लिए ढूंढ लेंगे अकॉर्डिंग टू हिज ओन पोटेंशियल। देन इन मद्रास ही टॉट फॉर हिज लिविंग फर्स्ट एट द मद्रास ऑर्फन असाइलम एंड देन एट मद्रास यूनिवर्सिटी हाई स्कूल। मीन्स कि इन्होंने अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए पहले इन्होंने मद्रास ऑर्फन असाइलम में पढ़ाया 1848 से लेकर 1852 तक एंड उसके बाद इन्होंने 1852 से लेकर 1856 तक मद्रास यूनिवर्सिटी हाई स्कूल में पढ़ाया था। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट हेडिंग जो कि है हिज टू अनएक्सेप्टेबल मैरिजेस एंड मूविंग बैक टू कोलकाता। ओके, तो जब माइकल मधुसूदन दत्त ने ऑर्फन असाइलम स्कूल में टीचिंग की थी तो वहाँ पर इनकी मुलाकात एक इंग्लिश वुमेन से हुई थी जिनका नाम था रेबेका एंड ये जो औरत थी ये माइकल से 3/4 वाइट थी, मतलब इनसे बहुत ज़्यादा वाइट थी एंड इनसे जो है माइकल को फिर प्यार हो जाता है एंड फिर माइकल मधुसूदन दत्त ने एंड रेबेका ने दिसंबर 1855 में मैरिज कर ली थी। एंड उस दौरान एक इंडियन मैन का एक इंग्लिश लेडी से शादी करना एक्सेप्शनल था बिकॉज उस दौरान सिर्फ जो इंग्लिश मैन थे वो ही इंडियन लेडी से शादी किया करते थे, मतलब इंडियन ऐसा कोई नहीं था जो इंग्लिश लेडी से शादी करता था, मतलब बहुत ही कम केसेस ऐसे थे। एंड इसके बाद माइकल मधुसूदन दत्त एंड रेबेका के 4 बच्चे हुए थे एंड जब माइकल मधुसूदन दत्त मद्रास में थे तो विलेज में उनके फादर एंड मदर की डेथ हो गई थी तो फिर ये फरवरी 1856 में मद्रास से कोलकाता चले गए थे एंड इन्होंने अपनी वाइफ एंड 4 बच्चों को पीछे छोड़ दिया था, मतलब वहीं पर छोड़ दिया था। एंड इसी ईयर अपनी नेटिव सिटी यानी कि अपनी विलेज जाने से पहले इन्होंने दूसरी मैरिज की थी एंड इस बार इनकी जो मैरिज थी वो एक फ्रेंच लेडी से हुई थी जिसका नाम था हेनरिएटा। एंड फिर हेनरिएटा एंड माइकल के 2 बच्चे हुए थे बट इनकी ये जो सेकंड वाइफ थी इनका लीगली कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, मतलब कि ये कंफर्म नहीं है कि इनकी ये वाइफ थी भी या नहीं। ओके, तो अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद ये अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को पाने के लिए अपने एंसेस्ट्रल विलेज गए थे जो कि कोलकाता में था। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट हेडिंग जो कि है लिटरेरी लेगेसी। तो इसमें हम जानेंगे कि जो माइकल मधुसूदन दत्त थे उनकी लिटरेरी लेगेसी कैसी रही, कैसे कैसे उन्होंने कौन कौन से वर्क्स दिए थे एंड क्यों इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर अपनी नेटिव लैंग्वेज बंगाली में लिखना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर हम ये सब कुछ जानेंगे एंड मधुसूदन दत्त की लिटरेरी लेगेसी के ऊपर आपको क्वेश्चन भी आता है तो इस चीज़ को आप यहाँ पर जितने भी वर्क होंगे, वैसे मैंने ज़्यादा मेंशन नहीं किया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी वर्क्स आएंगे उनको आप ज़रूर याद करना। ओके, तो इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है द मद्रास न्यूज़पेपर्स एंड हिज फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री।
ओके, तो माइकल मधुसूदन जब मद्रास में थे तो इन्होंने इंग्लिश में अपने वर्क्स लिखना कंटिन्यू रखा था, एंड ये मद्रास में टीचिंग के साथ साथ 1848 से लेकर 1856 तक मद्रास स्पेक्टेटर के असिस्टेंट एडिटर भी रहे थे। एंड ये जो आपका मद्रास स्पेक्टेटर है, एक्चुअली ये मद्रास का न्यूज़पेपर है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। ओके, तो इस दौरान इन्होंने दो इंग्लिश पोइट्री बुक्स जो हैं वो पब्लिश की थी। तो फर्स्ट है द कैप्टिव लेडी, जो कि बेस्ड है मधुसूदन दत्त के फ्रेंड के मदर के ऊपर, एंड सेकेंड है विजन्स ऑफ द पास्ट। एंड हाँ, आप लोग यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, द कैप्टिव लेडी में जो लेडी की स्पेलिंग है ये मैंने गलत नहीं लिखी है, एक्चुअली मधुसूदन दत्त ने लेडी की स्पेलिंग अपनी पोएम में यही लिखी है। ओके, तो माइकल मधुसूदन दत्त की लिटरेरी लेगेसी में अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है स्टेपिंग इन एज द फर्स्ट बंगाली प्ले राइट एंड एक्सपेरिमेंटिंग विद ब्लैंक वर्स। तो इसमें हम देखेंगे कि मधुसूदन दत्त जो है वो कैसे फर्स्ट बंगाली प्ले राइट बने थे। ओके, तो कोलकाता वापस जाने के बाद दत्त ने पुलिस कोर्ट में एज क्लर्क काम किया, एंड उसके बाद ये इंटरप्रेटर भी रहे थे। एंड 1858 में इन्होंने प्ले रामायण तरक रतन, जिसको रत्नावली भी कहा गया है, इस प्ले को इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। तो इन्होंने रियलाइज किया कि बंगाली लैंग्वेज में अच्छे प्लेस की काफी ज्यादा कमी है, यानी कि इनको यहाँ पर इस बात को जानकर बहुत ज्यादा दुख हुआ कि इनकी जो नेटिव लैंग्वेज बंगाली है उसमें प्लेस ही नहीं है, अच्छे प्लेस ही नहीं है। तो इस पॉइंट पर इन्हें अपने नेटिव कल्चर के प्रति जो इनका प्यार था वो रियलाइज हुआ, एंड देर वॉज नाउ इन हिम अ ग्रोइंग इंक्लाइनेशन टू राइट इन बंगाली लैंग्वेज ओनली। इट वॉज ऑल द रिजल्ट ऑफ इमोशंस विच हैज़ बाइंडेड हिम टू हिज रूट्स। यानी कि इसके बाद, मतलब कि अपनी बंगाली प्लेस की इतनी बुरी हालत देखने के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि बंगाली लैंग्वेज में लिखेंगे, एंड इन्होंने डिसाइड किया कि अपनी बंगाली हेरिटेज को, अपनी बंगाली लैंग्वेज को आगे बढ़ाएंगे। एंड इस तरह से इनके जो इमोशंस थे उन्होंने इनको इनकी जो नेटिव लैंग्वेज थी, जो इनकी रूट्स थी, उसके साथ बाइंड किया। एंड देन बिटवीन 1859 टू 1862 माइकल मधुसूदन दत्त प्रोड्यूस्ड एटलीस्ट 10 वर्क्स इन बंगाली। मतलब कि उसके बाद 1859 से लेकर 1862 तक माइकल मधुसूदन दत्त ने 10 वर्क्स जो थे वो बंगाली लैंग्वेज में पब्लिश करवाए थे। एक्चुअली इनको अब रियलाइज हुआ था कि उन्हें अपनी नेटिव लैंग्वेज को आगे बढ़ाना है, उनको अपने ट्रेडिशनल लैंग्वेज की ग्रोथ करनी है, तो फिर इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना बंद कर दिया था। एंड इन्होंने डिसाइड किया था कि ये सिर्फ बंगाली लैंग्वेज में ही लिखेंगे, एंड इसीलिए इन्होंने फिर 1859 से लेकर 1862 तक 10 वर्क्स जो है वो बंगाली लैंग्वेज में पब्लिश करवाए थे। एंड उनमें से आपकी 5 प्लेस थे एंड 5 पोइम्स थी। एंड इनकी ये जो 10 वर्क्स थे उनमें से जो फेमस वर्क्स थे वो मैं आपको बता देती हूँ। ओके, तो सबसे मोस्ट फेमस जो वर्क था इन 10 वर्क्स में वो था शर्मिष्ठा, जो कि 1858 में इन्होंने लिखा था। एंड ये एक ओरिजिनल बंगाली प्ले था, यानी कि बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया था, तभी इसका जो टाइटल है वो शर्मिष्ठा है। आपको बोल के ही पता लग रहा है कि बंगाली लैंग्वेज में है। एंड इन्होंने ये जो प्ले था ये वेस्टर्न स्टाइल में लिखा था, एंड ये इनका फर्स्ट अटैम्प्ट था ब्लैंक वर्स। एंड इस प्ले में इन्होंने फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट की थी ब्लैंक वर्सेस। एंड इसके अलावा जो इनका सेकंड मोस्ट फेमस वर्क था वो था पद्मावती, जो कि एक ग्रीक मिथोलॉजी के ऊपर बेस्ड वर्क था, एंड इसमें भी इन्होंने ब्लैंक वर्स का प्रयोग किया था। एंड इसके बाद इन 10 वर्क्स में एक और फेमस प्ले था जिसका नाम था कृष्णा कुमारी, जो कि 1861 में पब्लिश हुआ था, एंड ये एक ट्रेजिक प्ले था। एंड इसके बाद एक पोइम भी थी जो काफी ज्यादा फेमस रही थी, एंड इस पोइम का नाम था व्रज अंगना। ये एक पोइम थी एंड ये बेस्ड थी राधा एंड कृष्णा के ऊपर। तो ये थे इनके 4 मोस्ट फेमस वर्क आउट ऑफ 10 वर्क्स, एंड ये सभी वर्क इन्होंने बंगाली लैंग्वेज में लिखे थे। एंड इनके जो प्ले थे वो काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे थे, एंड माइकल मधुसूदन दत्त फर्स्ट बंगाली थे जिन्होंने पहली बार बंगाली लैंग्वेज में प्लेस लिखे थे, तभी इनको फर्स्ट बंगाली प्ले राइट कहा जाता है। एंड ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ज़रूर याद रखना कि ये फर्स्ट बंगाली प्ले राइट हैं जिन्होंने बंगाली लैंग्वेज में प्लेस लिखे थे। इनसे पहले किसी ने नहीं लिखा था, मतलब लिखे थे प्लेस लेकिन बंगाली लैंग्वेज में किसी ने नहीं लिखे थे, ये पहले इंसान थे अपने टाइम के। ओके, तो इन वर्क्स को बंगाली लैंग्वेज में लिखकर मधुसूदन दत्त ने अपनी नेशनल हेरिटेज एंड अपनी लैंग्वेज एंड अपने कल्चर, अपने लिटरेचर को बढ़ावा देना चाहा है। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे मधुसूदन लिटरेरी लेगेसी का हमारा थर्ड पॉइंट, जो कि है एक्सेप्टिंग हिज बंगाली रूट्स एंड द फर्स्ट बंगाली सोनेट्स। ओके, तो इसमें हम जानेंगे कैसे जो मधुसूदन दत्त हैं उन्होंने अपनी बंगाली रूट्स को एक्सेप्ट किया एंड वो फर्स्ट बंगाली सोनेट्स राइटर बने, एंड इन्होंने कौन कौन सी सोनेट्स लिखी वो हम इस पॉइंट में जानेंगे। ओके, तो जून 9, 1862 में मधुसूदन दत्त जो हैं वो लॉ की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए थे, एंड वहाँ का रेसिज्म एनवायरमेंट एंड वेदर जो है वो इनको सूट नहीं करता था। ओके, तो इसके बाद मधुसूदन दत्त अपनी सेकेंड वाइफ हेनरिएटा के साथ वर्साइल्स, जो कि फ्रांस में था, वहाँ पर चले गए थे। एंड वहाँ पर इन्होंने अपनी प्रीवियस राइटिंग स्टाइल को राइज करने की कोशिश की, एंड इन्होंने ये भी जताया कि इनके लिए इनकी मदर टंग, यानी कि जो इनकी बंगाली लैंग्वेज है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है।
ओके देन सिटिंग इन फ्रांस ही पेंड द वेरी फर्स्ट सोनेट्स इन बंगाली सच एज बांग भाषा एंड कैपोटास्कनेड विच शोज हिज इमोशंस इन दिस मैटर. मीन्स कि इन्होंने फ्रांस में बंगाली भाषा में फर्स्ट सोनेट्स लिखे थे एंड ये बंगाली लैंग्वेज के फर्स्ट सोनेट्स भी कहलाए. एंड ये दो सोनेट्स थे बांगा भाषा एंड कैपोटास्कनेड जो कि काफ़ी ज़्यादा इनके फेमस हुए थे. एंड इनका जो राइटिंग स्टाइल था वो इन्होंने वेस्टर्न रखा था लेकिन ये सोनेट्स इन्होंने बंगाली लैंग्वेज में ही लिखे थे एंड इनमें इन्होंने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया था. तो आपको एक चीज़ तो पता चल ही गई होगी कि स्टार्टिंग में यानी कि जब इनिशियली ये राइटर बने थे तो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा करते थे लेकिन बाद में किसी कारण जो है इनका जो प्यार था बंगाली लैंग्वेज के लिए वो इनके अंदर जागा एंड इनके अंदर आया कि इनको बंगाली लैंग्वेज को आगे बढ़ाना है. तो इसके बाद इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर अब बंगाली में ही लिखना स्टार्ट कर दिया. ओके तो जब मधुसूदन दत्त फ्रांस में थे तो एक बार ये इटालियन पोइट डांटे एलिगेरी के 6th सेंटिनरी सेलिब्रेशन पर गए थे एंड इस ओकेजन पर इन्होंने पोइट डांटे के ऑनर में एक पोइम कंपोज की थी एंड इन्होंने इस पोइम को फ्रेंच एंड इटालियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था. एंड फिर इटालियन ट्रांसलेशन के बाद मधुसूदन दत्त ने इस पोइम को द किंग ऑफ इटली विक्टर इमैनुअल सेकंड को भेजा था. मतलब उस टाइम पे जो किंग थे इटली के उनका नाम था विक्टर इमैनुअल सेकंड, उनको इन्होंने ये पोइम भेजी थी. एंड इस पोइम की रिप्लाई में किंग ने मधुसूदन दत्त के लिए एक लाइन लिखी थी, इट विल बी अ रिंग विच विल कनेक्ट द ओरिएंट विद ऑक्सीडेंट. यहाँ पर इन्होंने कहा कि एक तरह की रिंग है जो कनेक्ट करेगी पूर्वी को पश्चिमी के साथ. तो पूर्वी कौन थे? मधुसूदन दत्त जो थे वो पूर्वी थे एंड पश्चिमी वो खुद को बोल रहे थे. ओके तो अब हम जानेंगे मधुसूदन दत्त की लिटरेरी लेगेसी का 4th पॉइंट जिसका नाम है द ब्रेकडाउन इन कोलकाता एंड हिज लास्ट वर्क्स. ओके तो इस पॉइंट पे हम जानेंगे कि माइकल मधुसूदन दत्त के लास्ट वर्क्स कौन कौन से थे एंड कैसे और कब उनकी डेथ हुई थी. ओके देन इन 1856 दत्त रिटर्न टू इंग्लैंड फ्रॉम वर्साइल्स एंड इन 1866 ही बिकम अ बैरिस्टर. तो जैसे कि इस पॉइंट से आपको क्लियर हो ही रहा होगा कि 1856 में जो माइकल मधुसूदन दत्त थे वो वर्साइल्स से इंग्लैंड में वापस चले गए थे एंड ये 1866 में फिर वहाँ पर बैरिस्टर बन गए थे. मतलब कि वहाँ पर लॉ पढ़ने गए थे जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया हुआ है. तो फिर बैरिस्टर बनने के बाद 1867 में ये अपनी सेकंड वाइफ के साथ कोलकाता इंडिया वापस आ गए थे लेकिन इनकी फैमिली यानी कि ये खुद एंड इनकी जो वाइफ है एंड अदर जो फैमिली मेंबर्स थे इन सब का जो लाइफस्टाइल था वो काफ़ी ज़्यादा असाधारण था क्योंकि इन सबको बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग प्रॉब्लम्स होती हैं बिकॉज ये सब एल्कोहलिक होते हैं बहुत ही ज़्यादा. मतलब कि एल्कोहल पर टोटली डिपेंडेंट होते हैं तो इसकी वजह से इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी. तो फिर ये अपने लॉ प्रोफेशन के बेसिस पर जॉब पाने की कोशिश करते हैं लेकिन इनका लॉ करियर उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहता है. तो फिर इन्होंने एज अ हाई कोर्ट ट्रांसलेटर जॉब जो है ज्वाइन की थी एंड इसमें इन्हें मंथली सिर्फ 1000 रुपये दिए जाते थे एज अ सैलरी एंड जस्ट 1000 रुपये इनके लिए इनफ नहीं था. तो इस कारण एक तरह से ये इस दौरान जो है गरीबी से गुजर रहे थे. फिर इन्होंने 2 साल बाद फिर से लॉ प्रोफेशन से रिलेटेड जॉब करने की कोशिश की थी बट अगेन इन्हें सक्सेस नहीं मिली थी. एंड इसके बाद बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स फेस करने के बाद मतलब कि इन्होंने गरीबी देखी थी बहुत सारा स्ट्रगल देखा था इस टाइम पे बहुत सारे गरीब थे. तो इतने सारे अप्स एंड डाउन्स फेस करने के बाद भी इन्होंने लिखना बंद नहीं किया था. एंड फिर इन्होंने 1971 में होमर इलियाद पर बेस्ड एक वर्क लिखा था जिसका नाम था हेक्टर बर्थ जो कि 1871 में पब्लिश हुई थी. एंड इसके अलावा इन्होंने 1873 में एक और वर्क लिखा था जिसका नाम था माया कानन एंड ये दोनों वर्क्स इनके लास्ट वर्क्स थे. एंड माइकल मधुसूदन दत्त को द फर्स्ट बंगाल प्लेराइट हु बिकम द फेस ऑफ बंगाल रेनेसांस भी माना जाता है बिकॉज जैसे कि आपको पता है कि माइकल मधुसूदन दत्त फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने बंगाली लैंग्वेज में सबसे पहले प्ले लिखा है. तो इसीलिए इनको फर्स्ट बंगाल प्लेराइट एंड द फेस ऑफ बंगाल रेनेसांस माना जाता है. ओके तो माइकल मधुसूदन दत्त की जो सेकंड वाइफ थी हेनरिएटा वो हाईली अल्कोहलिक थी. मतलब कि टोटली डिपेंड करती थी अल्कोहल के ऊपर एंड जिस कारण इनको किसी टाइप की जो है कोई बीमारी हो गई थी एंड उनकी प्री मैच्योर डेथ हो जाती है. एंड माइकल मधुसूदन दत्त जो है वो खुद भी अल्कोहल कंजप्शन करते थे एंड उसी कारण ये भी बीमार थे. तो माइकल मधुसूदन दत्त के पास पैसे नहीं थे तो लैक ऑफ ट्रीटमेंट के कारण इनकी वाइफ के जैसे ही सेम बीमारी से 3 दिन बाद 29 जून 1873 में डेथ हो जाती है. ओके तो यही था माइकल मधुसूदन दत्त
भारत एंड द इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्निटी के बारे में। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बिकॉज अभी MEG 10 पर और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाली हैं, अगर आपको वो देखनी है तो आप सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बिकॉज आपके पास टाइम भी कम है तो नोटिफिकेशन आपको मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।